गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे 8, आज है अक्षय तृतीय। आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन जो भी लोग कुछ भी काम करना चाहें, कुछ भी, कोई घर बनाना चाहे या कोई शादी के लिए मुहूर्त निकालना चाहे, कुछ भी करना चाहे, आज के दिन वो सब काम शुभ होते हैं। तो आज के दिन मैं आपको एक खुशखबरी और सुनाऊँगी। आज के दिन भी मेरा लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। आप कहोगे कि कितने जन्मदिन मनते हैं इनके लड्डू के, क्योंकि रियल आज के दिन मैं वृंदावन से लेकर आई थी अक्षय तृतीया के दिन अपने लड्डू को। तो उस दिन 7 मई थी, तो बच्चों के अकॉर्डिंग तो 7 मई को है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आज है मेरे लड्डू का बर्थडे, अक्षय तृतीया के दिन। आज के दिन मैं वृंदावन से इसको लेके आई थी, तो आज रियल में आज ही 5 साल का हुआ है। अब बच्चों के अकॉर्डिंग ये 2 दिन पहले हो गया था। तो भाई आज भी मैं अपने लड्डू का सेलिब्रेट करूँगी बर्थडे, क्योंकि रियल में तो आज इसका जन्म है अक्षय तृतीया के दिन। और बहुत ही इतने अच्छे शुभ दिन पे ही मेरे घर आया था। जब से मेरे घर आया है 5 साल में इसने मेरे दिन बदले हैं। सच में ही कहते हैं ना, शुभ दिन में जो भी काम करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम करोगे वो शुभ होगा। तो मैं अक्षय तृतीया के दिन इसको लेकर आई थी, तो भाई मेरे लिए तो बहुत शुभ हुआ। बाकी मैं दिखाऊँगी कि आज मैं कैसे इन्जॉय करूँगी इसका बर्थडे। वो तो मैंने पब्लिक के लिए किया था, दुनिया के समाज के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था। आज रियल में मैं करूँगी इसका बर्थडे सेलिब्रेट, जो मैं लेके आई थी इसको। तो भाई मैं दिखाऊँगी अपने लड्डू का बर्थडे में कैसे सेलिब्रेट करूँगी। आज घर में ही करूँगी, छोटा सा मनाऊँगी, पर बर्थडे ज़रूर मनाऊँगी मैं अपने लड्डू का। बाकी आज के दिन अगर जो भी आज अपना काम करना चाहे, कोई जगह बनाना चाहे, या कोई सामान खरीदना है, या कोई जगह खरीदनी है, या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए मुहूर्त निकालना है, तो भाई आज का दिन बहुत शुभ है। मैं आपको यही बहुत सलाह दूंगी कि आज के दिन आप कुछ भी काम करोगे वो शुभ ही होगा। बहुत जिनको अपने 60 में बच्चों की शादी करनी, तो आज के दिन शुभ दिन है। पंडित से सलाह लें, आज के दिन मुहूर्त निकलवाएं। किसी को अपनी जगह बनानी है तो आज के दिन नींव धरने का शुभ दिन है, आज नींव धरें। मतलब कुछ भी काम करोगे, कोई बहुत से लोग चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, मतलब इसमें ऐसा है ये दिन कि माता लक्ष्मी साक्षात आज के दिन घर में वास करती है प्रभु जी के साथ। तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद है आज के दिन। आज बहुत सारे ऐसे दिन हैं, बहुत सारे मेरे को तो आदों के नाम भी नहीं पता, पर आज मतलब बस मैं यही बोलूँगी कि आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। बाकी मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, पर आप कुछ भी करें आज के दिन करें। और मैं आज लड्डू का बर्थडे मनाऊँगी, तो आप ज़रूर देखना मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी अपने लड्डू का बर्थडे। तो मिलती हूँ आज आपको शाम तक लड्डू के बर्थडे तक। बाकी अभी मंदिर भी नहीं गए हैं, बच्चे गए हैं, लड़के गए हैं दोनों स्कूल, तो वो अपने आप ही चले गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो बच्चे अपने आप ही चले गए। तो मैं बेटी नहीं गई है, बेटी के प्रैक्टिकल चल रहे तो वो नहीं गई, वो घर पर ही है। तो उसी ने अभी लड्डू की पूजा करी है। मैंने कपड़े धोए हैं, 3-4 दिन के कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, पार्टी थी, सब कुछ था, बहुत सारे कपड़े, बच्चों ने 3-3, 4-4 बार कपड़े पहने हैं। पूरी मशीन भरी पड़ी थी, मैं मशीन लगाई है, तो मैं कपड़े धो रही हूँ। बाकी देखती हूँ, मेट भी नहीं आ रही है, मेट आ गई तो ठीक है, वरना खुद ही काम करना पड़ेगा। कल भी नहीं लगी थी झाड़ू पोछा, तो आज करूँगी मैं भाई, क्योंकि आज तो बहुत ज़रूरी है सफाई करना घर में। बाकी अभी मंदिर भी नहीं गए हम, कालका मंदिर भी, कालका मंदिर हम शाम को ही जाएंगे आज भी, फिर कल से जाएंगे हम सुबह। तो भाई मिलती हूँ मैं आपको शाम तक, दिखाती हूँ आज का वीडियो, जरूर देखें और एंजॉय करें। राम राम जी सब बूढ़े बुजुर्ग भाइयों ने, सब बड़े छोटे ने, जमन्ना राम राम, सब ठीक हो जी? मंदिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब आके दे देंगे, आ जा भैया, ये अभी पैसा मांगन लो, जैसे हम आगे लेके भाग जाएंगे, ये डर जाएंगे, अरे यहाँ चले अपने, चलो माँ भाई इंतजार में, नुक तन धूप कर दी बहुत, कचरिए खा ले जा रही है, कहाँ धरूँ यहाँ आगे तो बोलते पर, ये हमारे, अरे हम रखेंगे ऊपर, हाँ जी दोपहर ही करवा दी, आज बहुत लेट हो गए, माँ चली गई, गई बुलेट पा रही है, माँगे कर ना, मजाक नहीं उड़ा, तो माँ वही रहे, माँ कौन जाएगी, तन्नू कैसे कहेगी कितनी देर चल रहे हैं ना ऊपर,
आ गए जी मंदिर पे, चल रहे हैं अंदर तक जा रहे हैं, भीड़ आप देखते हैं, भीड़ तो लगन हो रही। जय माई दी। चल चल भीड़ ना, चलो कोई बात नहीं, आ जा चल जल्दी जल्दी चलो, टाइम लग, अरे बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। प्रसाद भाई चाहिए को प्रसाद, अरे जय मेरी माई सचरिया दे। वही ले चलिए आप, वो मोबाइल छीन लेंगे तो ओहो, गिरे मत गिरो मत, जम आएगी। अरे मैं ब्लॉग में डालता हूँ, मैं अपने लिए बनाता हूँ, ब्लॉग में डालता हूँ, पब्लिक आए कौन छीन लूंगा कौन। जय हो मेरी मैया की। गायब हो गया आज, बोले वो मेरे बड़े सुंदर हो, श्री रामचंद्र जी का मतलब जय मेरी, जय हो भैरव बाबा की। क्या हाल है, जय हनुमान बाबा की। जो जय मेरी माई की। मनोकामना के लिए सुख शांति के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, मनोकामना के लिए सुख शांति के लिए, शादी बहार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, जय मेरी माई की। हो गया बढ़िया दर्शन हो गए, खूब बढ़िया। ये तो हमको तो गायब स्वतः कहो गायब हो गया, जाओ बैठी हो लंबे बैठी हैं तू। जय मेरे माई। लो जी मैं इन्हें ढूंढ तो डोलू सारे में, अरे दोनों यहाँ बैठी हैं देखो, ये बैठी। अब मैं ढूंढ तो डोलू मंदिर में कहो कहा ले ले प्रसाद ले हाथ में ले, मैं आऊंगा कह रहा हूँ पंडित जी दे दो आनू को कहो कोई है ही ना।
तन्नु ही वो मन दर्शन करो तुम भागो भाग कर रख रही है। हाँ भाई क्या कहनी तेरी, दर्शन कर लिया आपके माँ बौंद के गेल ले। बौंद के गेल ले मतलब क्या? तो भाइयों आ गए हैं इधर छोटे से बच्चे, उन्हें ले ले तो लेना आप प्रॉपर्टी जो लेना हो ले ले। बैक स्टैंड कितनी है? दो ले ले। बैक जोड़ी कितनी है मतलब? जोड़ी हटिए भाई भैया, ये आदमी जो वो ढोकला ना दे रहा है, ये वो ढोकला नहीं दे रहा यू आदमी, देख लो बाप यार पहचान लो, दो बेर मंगा लियो मैं सुना ठीक है, बाकी ले लेते सामान जब बताऊंगा ना, हमारी लौंडिया जो होंगे ना जिन्होंने लेन दे रही कुछ भी ठीक है बताते हैं, ये ना ले भैया कुछ भी लौंडिया नहीं कन्फ्यूज क्रिएट करने वो खाली और ना कुछ भी देख ले पहले घूम के ले ले फिर वही ढोकला ढोकला खत्म हो बिस्किट है वो बिस्किट कर दी देसी बनो भैया इन्हें कितने ऊपर ले जाओ ये रहेंगे देसी तड़का बाद में मिलते हैं। हेलो भाई साहब यूनो कह रहा हूँ दिल वाला जो यूनो ही दिल वाला यहाँ नो कह रहा यहाँ ले हमारे यहाँ यू आदमी कह रहा हूँ ठीक है और जो नो पसंद आ रहा यहाँ पकड़ लिया ठीक। क्या नाम है आपका? दीपक। पूरा नाम क्या? दीपक तिवारी। भाभी जी घर वाला वो बोला ठीक है जी मिलते बात। तो गाइस आ गए हम कालका मंदिर पे, अब बना रहे अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे, आज अक्षय तृतीया है तो भाई मैं बना रही हूँ खाना, आज बनाऊंगी आलू गोभी फ्राई करके और कढ़ाई पनीर, और अपने आज मैं एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं कर लेती हूँ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, आज मेरी बेटी कर रही है भाई झाड़ू पोछा, क्योंकि आज तक आपने भी ना देखा होगा कि मेरी बेटी पोछा लगा, आज मैं दिखाती हूँ आपको पोछा लगा हुआ। देखो भाई आज मेरी राजकुमारी पोछा लगा रही है, समझू सो देखो ना सोती रहे, देखो आज कौन भी कराए पर आज ही खुशी में कर रही है, एक तो लड्डू का बर्थडे है, एक अक्षय तृतीया है और तीसरा इसकी भाभी आ रही है इसके घर, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए यार आज कुछ भी काम करवा लो सब काम करेगी। दो दिन तो भाई हमारे कम वाले लाई हमारे घर गंदौर, मैं इससे कह झाड़ू लगा दे करी ना पोछा भी लगाएंगे, भाभी आएगी हमारे घर तो बहुत खुश आई हूँ क्या हमारे बक बक के काम कर रही भाभी ने तुम्हारे। तो गाइस मैंने बना दिया खाना, मैंने बनाई है कढ़ाई पनीर और आलू गोभी फ्राई और पूरे इनके लिए चून मांड के रख दिया, और मेरी जेठ के लड़के की बहू की रोटी कर रही हूँ मैं, और मेरी फ्रेंड की लड़के की बहू की भी रोटी कर रही हूँ, मैंने दिसंबर में शादी हुई थी पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज मेरे लड्डू का वैसे बर्थडे, मैंने कहा चलो एक फंदों का दोनों काम हो जाएंगे। हेलो जी नगर सर, मेरे सोना है नहीं, मुझे थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था, अब ठीक है क्यूटी है ये मैडम, मेरी क्यूटी मेरी बेबी है प्यारी सी कुन्नू सी, हाई कर देख भाई हाई गाइस। तो हमारी बहू आ रही है तो मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस देखो मेरा लड्डू तैयार हो चुका है, ये रहा आज का सेकंड बर्थडे है और ये इसका फ्रेंड आया, देखो कितना प्यारा है, केक कटिंग में आए ये लोग, अलग ही माहौल बन रहा है इनका अब हम केक काटेंगे, सारे गेस्ट वगैरह आ गए और लड्डू भी रेडी है, देखो यार। तो गाइस लड्डू का कट रहा है केक, सेकंड केक कट रहा है, इतना लकी है यू, और ये मेरी फ्रेंड मेरी बहू सब आए हुए, देखो भाई ये मेरी सारी बहू, ये मेरी फ्रेंड है रेखा दीदी जिनकी शादी हुई थी लड़के की, लड़के की शादी हुई थी, ये वो बहू है, आज मैंने इनके भाई इनवाइट करा है, इनकी मेरे पे ट्रीट उधार थी वो दे रही हूँ, आज लड्डू का अच्छा दिन था तो मैं इनको ट्रीट भी दे रही हूँ बच्चों को, तो मिलते हैं लड्डू के केक पे। तो गाइस यूरा यूया का फ्रेंड आया है एक और अब केक कट रहा है इनको, माँ जी बैठी है, माँ जी आया कर दो एक बार बना लिया बात है पहले मैंने वो
भाई अभी आके दीदी आके केक काट रही है, परसों कटाया, सब कंफ्यूज है आके दो दो जन्मदिन कैसे मन रहे। मैं स्पेशल है यार, हम 10 भी बनाएंगे। जा बता रहे हो, इन्हें भी कह रहा हूँ अभी तो मनाओ एक जन्मदिन। दीदी खवा रही है या केक, या आ जाओ हमको केक लाइए, हमको वेनेला देखो केक खा रहा है अपने दोस्त का, क्यूटी क्यूटी सा सुंदर है भाई बहुत। देखो दिखाओ, देखो ये फ्रेंड आया भैया का, ये मेरी फ्रेंड का बेटा है तो ये आपका फ्रेंड। हाँ मेरी फ्रेंड को बेटा ही तो है, मेरी फ्रेंड मैं यू तो कह रही, मेरी फ्रेंड का बेटा है तो यू या को फ्रेंड है तो मेरे बेटे को। तो अब केक कटिंग होगी है, आप भाई बच्चे खाएंगे केक, आप केक कटिंग, आप केक बनेगा। राय जी मेरी चिल्लड़ पार्टी है, देखो वही बैठी सारी, ये मेरे लौंडा है शर्मावे ज्यादा, एक ही लौंडा है जो मुझे हाय गाय कर रहा है, हमें मेरे सारे ही लौंडा चारू हाय कर दो एक बार सारे। हाय गाइस ऐसे बोलो, ये हमारी YouTube फैमिली है क्यूट सी। लौंडा आया मेरे देखो सब तो बड़ा। गाइस मम्मा खाना बना रही है, मम्मा बना रही है पूरी भाभी वगैरह के लिए, और ये सब्जी बनाई है इन्होंने कढ़ाई पनीर, और बाकी ये मैं अभी लड्डू को भोग लगा रही थी। और कौन सब्जी मम्मा? और ये मम्मी ने आलू गोभी बनाई है, अभी मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी अभी। गाइस देखो ये आलू गोभी सब्जी बनाई है मम्मा। गई है मेरी भुए, मेरी सहेली, मेरी जिठानी, मेरी चाची सास सब गई है फैमिली, काफ़ी अच्छा हमने इंजॉयमेंट करा लड्डू का, फिर से अच्छे से सेलिब्रेट करा हमने बर्थडे, आज अक्षय तृतीया पे इतने अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। घर में मैंने खाना बनाया, घर में सबके लिए गेस्ट बुलाए और अपनी भुए बुलाई, मतलब काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट करा। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जैसे सब्सक्राइब करें, थैंक यू।